जनगणना 2021 के पूर्व प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2021 का शुभारंभ शिमला शहर के अनाडेल वार्ड नंबर 4, किन्नौर के कल्पा और शिमला ग्रामीण के सुन्नी से किया गया है। जनगणना 2021 की शुरुआत हो गई है। जनगणना 2021 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार 3 शहरों से किया गया, जिसमें शिमला, कल्पा और सुन्नी शामिल है। जनगणना के लिए शिमला शहर में नगर निगम के वार्ड नंबर 4 अनाडेल को चुना गया है। इसके अलावा शिमला ग्रामीण के सुन्नी और किन्नौर के कल्पा में जनगणना का पूर्व प्रशिक्षण किया जाएगा। इस बार जनगणना पेपरलेस होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से इस बार जनगणना की जाएगी। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने पूर्व जनगणना प्रशिक्षण के लिए उनके वार्ड को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। महापौर ने कहा कि जनगणना के दौरान ली गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहती है, इसीलिए सभी स्पष्ट रूप से कर्मचारी के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करें। महापौर ने सभी से जनगणना के लिए घर घर आने वाले कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की। देखिए, आज जो है जनगणना का आगाज जो है किया जा रहा है। इसमें जो है 3 जो है शहर चुने हैं, तो उसमें जो काजा है और सुन्नी है और अनाडेल वार्ड है। तो बहुत खुशी की बात है कि अनाडेल वार्ड से जो है शुरू किया गया है और ये नाम जो है केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं कि इस जगह पर जो आपने शुरुआत करनी है। तो आज अनाडेल वार्ड से शुरुआत हो रही है जनगणना की। और जैसा आप जानते हैं कि जनगणना जो है काफ़ी समय 2011 में हुई थी, तो उसके बाद जो अब हो रही है, तो लोगों को भी एक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से जो है इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई कभी जनगणना हुई है, तो लोग भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। लेकिन लोगों से इतना सा अनुरोध करना चाहती हूँ कि जब भी कोई जनगणना के लिए आपके घर में आता है, तो कम से कम उसको कॉपरेट करें, उसको बिठाएँ और अपनी जो है अच्छी जो अपना जो है सूची है उनको जो सही ढंग से दें, ताकि जो उनके कार्ड जो है बन सकें। क्योंकि जब उनके कार्ड बनेंगे तो उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की, क्योंकि जब आपकी जनगणना प्रॉपर होगी तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आगे आपके आधार कार्ड बनते हैं, आप आगे आपके और भी बहुत सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है बनती है। तो अगर आपकी जनगणना बिल्कुल सही होगी तो आपको आने वाले वक्त में दिक्कत नहीं आती। जनगणना 2021 की प्रभारी भारती कुटियाला ने जनता से अपील की कि सही आंकड़े प्रस्तुत करें, क्योंकि देश की सभी विकासात्मक योजनाएं जनगणना पर आधारित रहती हैं। देखिए, जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य हर दस वर्ष बाद जो है मनाया जाता है, जैसे किया जाता है। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं, सारी जनगणना के ऊपर आधारित रहती हैं। जो आंकड़े हैं हमें उसी में से मिलते हैं। तो उसका जो हमारा 21 का की जानी है जनगणना, उसकी पूर्व प्रशिक्षण कार्य जो है उसमें हिमाचल में 3 जगह उसका चयन किया गया है। सुन्नी में इस समय हो रहा है हमारा पूर्व प्रशिक्षण का कार्य, कुछ काजा में हो रहा है और यहाँ पे शिमला के अनाडेल वार्ड के 10 ब्लॉक में किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सभी के जब घर जाकर जनगणना के बारे में और इस तरह के बारे में पता चलेगा कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपके माध्यम से पता चल जाए कि सच में सरकार की तरफ से ये योजना का जो है शुरुआत की गई है। और मेन सेंसेस अगले साल रहेगी। अभी जो ये फर्स्ट उसमें हमारा टेन्योर है, उसमें अभी हमारे 10 एनुमरेटर काम कर रहे हैं, 2 सुपरवाइज़र हैं, नगर निगम के ही कर्मचारी हैं जिनको एडिशनल ये काम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।